नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक और कदम उठाने जा रही है। अब भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी या दोषी अधिकारियों को देश छोड़कर भागने का मौका नहीं मिलेगा। सरकार ने फैसला किया है कि भ्रष्टाचार के दोषी या आरोपी किसी भी विभाग के अधिकारी को पासपोर्ट नहीं जारी किए जाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले अधिकारियों के लिए सतर्कता विभाग की मंजूरी के हासिल करने के लिए अब प्रावधान कठोर हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कोई मामला दर्ज हुआ है या फिर उसके खिलाफ इस मामले में कोई जांच चल रही है अथवा वो भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में दोषी करार दिया है तो उसे पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नियमों के मुताबिक ऐसे भ्रष्ट अफसरों को सतर्कता मंजूरी नहीं मिलेगी जिसके आधार पर पासपोर्ट जारी होता है। खबरों के मुताबिक कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि अगर किसी ऐसे अधिकारी को मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात या किसी पारिवारिक कारणों में पासपोर्ट जारी करने को लेकर संबंधी प्राधिकरण फैसला ले सकते हैं। नियमों के मुताबिक सरकारी अधिकारियों को अब जांच पूरी होने तक या मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा जब तक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के रोकथाम के अंतर्गत केस दर्ज नहीं होता पासपोर्ट नहीं मिलेगा। नए नियम के मुताबिक किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई निजी शिकायत या FIR दर्ज किया जाता है तो सतर्कता मंजूरी को रोका नहीं जा सकता। पासपोर्ट ऑफिस के पास FIR के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। सिविल सेवा के अधिकारियों को भी पासपोर्ट हासिल करने के लिए सतर्कता विभाग की अनुमति लेनी होगी।